फ्रेंड्स, यदि आप घर वापसी के लिए फॉर्म फिल किए हैं या फिर घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं पंजाब से, तो आपके मन में एक दो सवाल ज़रूर उठता होगा कि आपको मैसेज कब आएगा या किस तरह का मैसेज आएगा, उसमें क्या लिखा होगा, और मैसेज आता है तो उसमें क्या कुछ लिखा रहता है। तो चलिए मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि आप सब्र कीजिए, आपका भी नंबर ज़रूर आएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपने इस फॉर्म को फिल किया होगा, और ध्यान दीजिए कि जब आप फॉर्म को फिल किए हैं तो इस फॉर्म में आपको यस का टिक लगा होना चाहिए, तभी आप सरकारी ट्रेन का सुविधा ले सकेंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरह का मैसेज आता है। तो पहला मैसेज तो आपको आता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो साथ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ में आपका कितने लोग हैं वो लिखा हुआ रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में, जैसे कि आपका कार्ड नंबर होता है। दूसरा मैसेज आपको यह आता है कि आपको जल्द ही आपके घर वापस भेजा जाएगा, बस आप सब्र कीजिए, इंतज़ार रखिए। और फ्रेंड्स, तीसरा मैसेज के बारे में आपको दिखाता हूँ कि तीसरा मैसेज किस तरह का आता है। तो देखिए, तीसरा मैसेज कुछ इस तरह से आएगा, जब आपको जिस दिन जाना होगा उस दिन से एक दिन पहले आपको मोबाइल पर इस तरह का मैसेज आएगा, हिंदी में लिखा रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपको मैसेज छूट गया, आप भूल गए, तो आप जा नहीं पाइएगा क्योंकि आप लेट हो जाइएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ लिखा। देखिए, इसमें लिखा है, आपके पंजीकरण के अनुसार पश्चिमी चंपारण बिहार की यात्रा के लिए आपकी ट्रेन कल 10 मई 2020 को जाएगी। आपका पैसेंजर नंबर, क्रमांक नंबर इतना है। स्टेशन ले जाने के लिए आपको बस 10 मई 2020 दिन रविवार को सुबह 8 बजे, मतलब कि इसमें टाइम दिया रहेगा कि सुबह 8 बजे गैसपुरा चौक, आपके जो नज़दीकी चौक रहेगा या हाईवे जहां पर बस वगैरह रुकते हैं, वहां पर नज़दीकी चौक पुल के नीचे पर मिलेगी। नोट, पहले आने वाली यात्री को प्राथमिकता दी जाएगी, एवं आपकी यात्रा की पुष्टि आपके मेडिकल परीक्षण पर भी निर्भर करती है। मतलब फ्रेंड्स, यदि आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, यदि आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, पंजाब सरकार आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करती है, जिला मजिस्ट्रेट लुधियाना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मैसेज आता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा और कोई भी मैसेज मिस मत कीजिएगा। यदि आप मैसेज मिस कर जाइएगा तो आप जाने में असमर्थ होइएगा, आप जा नहीं पाइएगा। आपको ये मैसेज इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरह का आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा, आप मैसेज को ध्यान रखिएगा। और आपको खुद से पढ़ने नहीं आता तो आप किसी आस पड़ोस से ज़रूर पढ़ा लीजिएगा कि क्या कुछ इस मैसेज में लिखा हुआ, और कोई भी मैसेज मिस नहीं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका भी नंबर जल्दी से जल्दी आएगा, जब आपका नंबर नहीं आया तो कुछ समय में हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए। और कॉल के ऊपर नहीं लीजिए क्योंकि कॉल शायद ना आए, लेकिन मैसेज आपको ज़रूर आएगा। मैसेज के ऊपर ही सारा काम कीजिएगा, जो भी मैसेज में लिखा रहेगा उसी के अनुसार काम कीजिएगा। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में, किसी के अफवाह पर मत जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।